हेलो एवरीवन, फर्स्ट इंडिया प्रसाद वर्तिका शो पर चल रही है चाट चटनी और चटखारे की स्पेशल सीरीज पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में शेफ गजराज सिंह शेखावत जी के साथ। और मॉनसून है तो चलिए मॉनसून को कुछ खास बनाया जाए, कुछ खास स्पेशल बनाया जाए और भाई चटखारा ना लगे मॉनसून में, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई अपने घर में बैठिए, खिड़की खोलिए या बालकनी का दरवाज़ा खोलिए और मॉनसून की बारिश के साथ हाथों से बनी हुई इस चाट के चटखारे लीजिए। चलिए कैसे लेंगे पहले सीख तो लीजिए। चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं गजराज जी का। गजराज जी बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया प्लस द वर्तिका शो पर आपका। बड़े अच्छे अच्छे चटखारे सीखने को और लेने को मिल रहे हैं मुझे तो हाल फिलहाल। और आज हम फिर से एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं, क्या बना रहे हैं हम आज? एक नया वेरिएशन बताने वाले हैं जो कि नई चाट है, वो नई रेसिपी है, उसका नाम है कमल ककड़ी की चाट। अरे वाह, कमल ककड़ी वैसे लोगों ने देखी होती है पर उनको पता नहीं होता कि ये वाली कमल ककड़ी है, ठीक है। और जिन लोगों को मालूम होता है कि कमल ककड़ी है वो चाट का वेरिएशन नहीं जानते, तो आज एक नया वेरिएशन हम कमल ककड़ी चाट का बताएंगे। कमल ककड़ी बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी सब्जी है, बारिश के दिनों में काफ़ी अच्छे से ये आती है। और अब तो ये है कि कमल ककड़ी एकदम हमें साफ सुथरी नीट एंड क्लीन मिलती है, लेकिन लोग इसको देखते हैं और छोड़ देते हैं और यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उनको यूज़ करना नहीं आता है। इसकी बहुत सारी चीज़ें बनती है लेकिन इसकी चाट भी बनती है, क्या आपको पता है ये बात? लेकिन चाट में भी हम आपके लिए बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा वर्जन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर कमल ककड़ी की चाट। हाँ तो वर्तिका जी, ये है कमल ककड़ी, तो इसको मैंने धो के छिल के साफ सुथरा करके और इस बड़े बड़े पीसेस में काट के रखा है, ठीक है। आज हम एक नए ढंग से चाट बनाने वाले हैं। जो मसाला बनेगा उसको हम इसके अंदर स्टफ करेंगे और फिर बॉईल करेंगे, तो स्टफ करते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि मसाला ऊपर से डाले नीचे से निकले नहीं। अच्छा, तो इसलिए सिल्वर फॉइल रखी है मैंने। ओके। और इसको अपन इस तरह से सील कर देंगे, ठीक है। और दो तरह का मसाला बनाएंगे वो उसमें स्टफ करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी तरफ से भी अपन सील करेंगे इसको और फिर अपन इस तरह से उसको बॉईल करेंगे। चलिए ठीक है, तो हम मसाले बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मसाला बनाते हैं। तो देखिए कमल ककड़ी को अच्छे से हमने कट किया, कुछ लंबे पीसेस में किया है। साथ में ये बहुत ही एक अलग तरीके की चाट है। इसमें जो मसाले बन रहे हैं दो तरीके के बन रहे हैं, एक काली मिर्च के साथ तैयार किया जा रहा है और लाल मिर्च के साथ तैयार किया जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा दोनों मसाले कैसे बना रहे हैं और उसको बनाने का तरीका भी कुछ अलग हटके है। तो आइए देखते हैं। तो हम ये आज दो तरह के मसाले बनाने वाले हैं स्टफिंग के लिए। पहले हम लेंगे लाल मिर्च, ठीक है। तो ये आधा चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च हट किया, तो इसमें थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालेंगे, थोड़ा काला नमक भी जाएगा इसमें, थोड़ा इसमें मैंने चाट मसाला ऐड करना है, ठीक है। ये तो आपका मसाला है लाल मिर्च के साथ। अच्छा जी, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगा वो अजवाइन का, हल्की सी अजवाइन, आपके हजमे के लिए भी अच्छी रहती है जी। और आपके टेस्ट का, चाट का फ्लेवर बदल देती है जी, ठीक है। ये तो हो गया अपना एक मसाला। अब अपन लेंगे दूसरा मसाला जो कि अपन बनाने वाले हैं काली मिर्च के साथ। अब लेंगे हम दूसरा मसाला। दूसरे मसाले के लिए मैं लूँगा काली मिर्च, वही आधा चम्मच आपने काली मिर्च लेनी है। पाउडर बना लें आप, या तो बना बनाया पाउडर मार्केट में आता है वो ले लें या पाउडर बना लें। इसमें मैं आपको रोस्टेड जीरा पाउडर ऐड करूंगा साथ में, ठीक है। और इसमें हल्का सा नमक भी जाएगा और नमक के साथ साथ में इसमें जो हल्का ट्विस्ट देना है वो है आपका ड्राई जिंजर पाउडर। जो बेसिकली कमल ककड़ी जो है कश्मीर में सबसे ज्यादा खाई जाती है जी, और कश्मीर नदरू, नदरू बोला जाता है। हाँ तो वर्तिका जी अपने दोनों मसाले रेडी हैं जी। और जैसा कि मैं स्पाइसेस सारे ऐड कर रहा था, मैंने आपको बताया कि इसमें जो सौंठ का पाउडर मैंने डाला है जी। तो क्योंकि जब आप कमल ककड़ी की बात करते हैं तो कमल ककड़ी आती है कश्मीर से जी, जहाँ उसको नंद्रू के नाम से बोला जाता है, बिल्कुल। तो कश्मीरी मसाले में अगर सौंठ नहीं हो या सौंफ नहीं हो तो मजा नहीं आता जी। तो यहाँ हम चाट बना रहे हैं तो इसलिए मैंने सौंठ का एक स्पेशल फ्लेवर दिया है इसमें, ठीक है। और अब अपन इन दोनों को नीचे से सील करेंगे इनको, ठीक है। ये दोनों मसाले दो दो पीसेस में अलग अलग भरेंगे, दोनों अलग अलग टेस्ट मिलने दोनों वाले अलग अलग। तो भाई ये तो अच्छी बात है कि हमने यहाँ पे आपको दो मसाले सिखाए, तो दोनों का जो फ्लेवर है वो अलग अलग तरीके से आएगा।
और साथ में जो मसाले हमने आपको सिखाए हैं इनको आप अच्छे से नोट डाउन करके रखिएगा। जिस क्वांटिटी में गजराज जी ने ऐड किया है, मैं ये आपको एक कैप्शन दे दूंगी मसाले का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो बना के रख सकते हैं आप ये मसाला पहले से ही। तो चलिए फिल कर दें। पहले अपन कमल ककड़ी को एक तरफ से सिल्वर फॉइल से जो कवर कर देंगे ताकि आपके मसाले इसके अंदर डटे रहें। तो अपन ऐसा करेंगे, एक एक मसाला एक एक ककड़ी में बिल्कुल हिला हिला के इस तरह से स्टफ़ करेंगे ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। आप थोड़ा हिला हिला के इसको भरेंगे तो अच्छे से फीलिंग होगी जी। और इस तरह से करके अपन ने इसके सारे होल्स भर दिए हैं। अब इसी तरह दूसरी तरफ से भी अपन इसको सील कर देंगे सिल्वर फॉइल से, ताकि ये मसाला जब अपन पकाएं या बॉयल करें तो मसाला ना निकले। हाँ, तो अपन ने इन सबको रैप कर लिया है जी। अब इधर पानी भी बॉयल हो गया है, ठीक है। तो मीन वाइल अपन इनको बॉयल करेंगे कुछ देर के लिए, ठीक है, ताकि अच्छे से पक जाए और मसाला इसमें अच्छे तरह से घुल जाए। अब आप ये अपन इसको कवर कर देते हैं। कवर कर देते हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको पकने दीजिए बॉइलिंग वाटर में। उसके बाद अपन निकाल के इसके आगे चाट बनाएं। तो वर्तिका जी, जो अपन ने कमल ककड़ी स्टफ की है जी, ये मसाला स्टफ करने के बाद आप इसको दोनों तरफ से सील कर दें जी। और इसको कम से कम आधे घंटे आप फ्रिज में रख दें, तो उससे क्या होता है कि जो मसाला है उसमें अच्छी तरह पेनिट्रेट कर जाएगा जी। क्योंकि जो सॉल्ट है जी, वो सॉल्ट अपन किसी भी चीज़ में डालते हैं तो सब्जी हो या कोई भी चीज़ हो वो अपने जूसेस रिलीज करती है जी, बिल्कुल। तो सॉल्ट इज अ कैरियर, इन सारे मसालों को इसके अंदर तक घुसेड़ देगा जी। तो उससे क्या होगा कि आपको जो मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर और उनका टेस्ट पूरी कमल ककड़ी में बिल्कुल उभर गया। और मैं सोच ही रही थी कि जैसे हमने मसाले जिस ढंग से फिल किए हैं कि क्या वो एकदम पूरा अच्छे से उनका टेस्ट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपने बताया कि आधा घंटा रखेंगे तो सारे मसाले अपना जूसेस जो है वो धीरे धीरे इसमें रिलीज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पैक करना है पहली बात तो फॉइल पेपर से, आधा से पौन घंटा आपको ज़रूर रखना है। फ्रिज में रख दीजिए या बाहर रख सकती हैं, मौसम अभी ठंडा है। और फिर बॉइलिंग वाटर में हमने इसको यहाँ पर बॉयल किया है। कितनी देर तक करना है गजराज जी बॉयल? कम से कम 20 मिनट आप बॉयल करेंगे तो अच्छे से बॉयल हो जाएगी, क्योंकि अच्छा, थोड़ी सी वैसे हार्ड होती है, हार्ड होती है जी, थोड़ा टाइम लगता है इसको। चलिए ठीक है, तो यहाँ हम वेट करते हैं इसके बॉयल होने का। हाँ, तो कमल ककड़ी अब पककर तैयार है और अपन इसका रैपर हटाएंगे। और ये रैपर्स दोनों तरफ से हट जाएंगे, उसके बाद अपन इसकी कटिंग करेंगे। ये आप देखिए कि आप कह रहे थे दोनों तरफ से मसाले कैसे आएंगे, तो मैं दिखा रहा हूँ मसाला इधर से इधर तक बिल्कुल अंदर तक आ गया है। तो अब अपनी कमल ककड़ी जी पूरी तरह से तैयार है। हाँ जी। अब हम इसको इस तरह से पीसेस में काटेंगे। तो इसके अंदर क्या है, मसाला अपना फ्लेवर दे चुका है पूरी तरह से। जैसे ये देखिए, हर छेद में आपको मसाले की स्टफिंग मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कट करते जाना है। इस तरह से ये मैंने पहले काली मिर्च वाले काटे जी, और तो इसी तरह से रेड वाले काट लेंगे। अरे वाह। तो इसमें आप देखिए मसाला देखिए पूरी तरह से हर जगह। तो ठीक है, वेरी नाइस। ये अपनी कमल ककड़ी बिल्कुल कट के तैयार है। अब अपन इसको एक बाउल में लेंगे, ठीक है, और कुछ मसाले और स्प्रिंकल करूंगा मैं इसमें, तो थोड़ा सा चाट और अच्छे से एनहांस हो जाएगा। ये अपनी कमल ककड़ी कट के तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे। ये मैंने मिंट पाउडर बना के रखा है जिसको अपन ऊपर से इसके स्प्रिंकल करेंगे, तो इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर आएगा। और इसी में थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है, ये आपने इसमें हल्का सा ट्विस्ट दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा काला नमक, ठीक है, ये क्या बात है, हल्का सा अपन इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे। कि जो चाट है कमल ककड़ी की खाने के लिए तैयार है। तो लीजिए वर्तिका जी, अपनी कमल ककड़ी की चाट बनकर तैयार है। लाइए। और इसमें बताइए किस तरह का चटकारा है। तो ये जो चटकारा है ये मामूली चटकारा नहीं है भाई, बहुत अलग है। पहली बात तो कमल ककड़ी का एक बहुत ही शानदार वेरिएशन है।
और एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है। और एक ही रेसिपी में दो तरीके के आपको फ्लेवर मिलेंगे, काली मिर्च का अलग और लाल मिर्च का अलग। मज़ा आ गया सीरियसली। सबसे अच्छा टेस्ट जिसमें हमने सौंठ का और अजवाइन का यूज़ किया, ज़रा सी अजवाइन ने इसका जो टेस्ट है वो टोटली चेंज कर दिया है। सॉफ्ट भी हो गई, बॉयल हो गई, साथ में क्रंच भी है। मतलब जो चाट में हमें एक चीज़ चाहिए होती है कि थोड़ी सी कभी क्रंची हो, सॉफ्ट भी हो, तैयार की हुई भी हो, सारे मसाले भी हों। और मसाले तो मैं हमेशा से ही बोलती हूँ कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, क्या क्या ऐड किए हैं ये ध्यान रखना है, जैसा आपको टेस्ट अच्छा लगता है वैसा इसको मैनेज करिए। और देखो आप रेसिपी नोट करिए, और मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ पूछो तो सही भाई, कमल ककड़ी लेने। इतनी अच्छी चाट को कैसे मिस कर सकती हूँ, आप भी मत करिएगा।